सिरसा के डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम के 25 तारीख को सीबीआई की अदालत में पेश होने के चलते जहां पंजाब में पुलिस द्वारा पूरा हाई अलर्ट किया गया है, वही पंजाब के जिला फाजिलका में पंजाब और राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर पुलिस ने अपनी 24 घंटे की नाकाबंदी शुरू कर दी है, जिसके चलते हर आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। एसएसपी साहब वालों स्पेशल नाकाबंदी की जा रही है, तो स्पेशल गड्डियां की चेकिंग की जा रही है भी ताकि किसी अनसुखावी घटना होने तो पहला रोकया जा सके। सर पैरामिलिट्री फोर्सिस भी साड़ी हेल्प वास्ते मंगवाइया गई ने, तो मोस्टली सर असं नाकाबंदी इस बार ज़्यादा सानू कहा गया कि नाकाबंदी प्रॉपर की जाए, तो सुबह शाम रात 24 घंटे नाके अलर्ट किए गए हैं, तो प्रॉपर असला दे के नाक तैनात किया गया ऑफिसर्स ने। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਪਾਈ ਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕਮੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਰਹੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੇ ਜਾਗਰਤੀ ਲਹਿਰ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੇ ਸਾਥ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।